अरे वाह लालू जी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हम लोगों के साथ बैठकर तुम भी खाना खा रहे हो और तुमने भी अपने पत्तल में चावल और बिरयानी निकाल लिए हो हम लोगों के साथ। अरे योगी जी, पहले एक जमाना था जो मैं भी गरीब हुआ करता था और हम इस और केजरीवाल के दावत में मैं ऐसे ही बैठ के खाया करता था। अरे लालू जी, आप अमीर कैसे बने, जरा हमें भी बता दो अमीर बनने का तरीका। अरे मैं भी अमीर बन जाऊंगा तो ऐसे ही सबको बैठा के बिरयानी खिलाऊंगा। अरे राहुल, कहानी शुरू होता है मेरे पापा से। अरे जब मैं छोटा सा था तो मेरे पापा भीख मांगा करते थे रोडों पे। अरे फिर मेरे पापा का एक दिन एक्सीडेंट हो गया और मर गए। फिर भीख मांगने का काम मैं संभालने लगा। फिर जो पैसे आता था वो मैं जमा करके गुल्लक में रख देता था। रोज मैं ऐसे ही करने लगा। कम से कम मेरे गुल्लक में 5,000 रुपए जमा हो गए। एक दिन मेरा गुल्लक चोर ने चोरी करके ले गया। अरे फिर मैंने भीख मांगना बंद कर दिया और सोचने लगा कि चोर ने मेरा कई महीनों का कमाई एक ही बार में लेके चला गया। अरे तब मैंने भी चोरी करना स्टार्ट कर दिया। अरे लालू जी, इसका मतलब तुम हमें चोरी का बिरयानी खिला रहे हो? अरे मोदी जी, चोरी का ही सही, फ्री में तो बिरयानी खिला रहे हैं लालू जी पेट भर के। हम लोगों के बीच में भगोना ही रख दिए, जो जितना खा सके उतना ले लो, बिरयानी और चटनी। अरे अखिलेश, लेकिन चोरी का सामान तो चोरिए का होता है ना, उससे पेट नहीं भरता है कभी। अरे लालू जी, लेग पीस दे दो, मेरे में एक ही पीस दिए हो, लेग पीस नहीं दिए हो बिरयानी में। अरे खा ले मम्मी, एक मुर्गी में दो ही लेग होता है, लालू जी कहाँ से लाएंगे उतने लेग। अरे अब बिल्कुल ठीक बोली हो डिम्पल भाभी, एक मुर्गी में दो ही लेग होता है। और लेग पीस के लिए मुझे और चोरी करने जाना पड़ेगा। अरे लालू जी, एक बात बताओ, तुम्हें चावल और मुर्गियाँ कहाँ से चोरी करके लाए हो? अरे वैसे जी, और राहुल के दुकान में मैं गया था सामान लाने, वहीं से कट्टे में चुरा लिया चावल का। और वैसे जी का मुर्गा मेरे घर पे आ गया था दाना खाने के लिए, इसलिए मैंने उसको पकड़ के और बिरयानी बना के आप सबको खाने पे बुला लिया। अरे मेरा चावल चुराए हो लालू जी, अभी छोड़ेंगे नहीं तुमको। और लालू जी, मेरे पास दो ही मुर्गे था और तुमने बिरयानी बना दिया, सब आदमी मिल के मारो लालू जी को। और लालू जी, और चोरी करोगे मुर्गी और चावल।